पुजारी जी एक चीज बताइए हमको, बाबा कल्याण कि इस मंदिर के बारे में जो चीज सुने हैं हम सुनते हैं, हम बाहर गए तो क्या कहानी है इस मंदिर? यहाँ अश्वत्थामा बेटा आते हैं, शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। सच है बात दोस्तों, महाभारत की एक कहानी तो हम सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा जो है उसको आजीवन जीवित रहने का श्राप दिया था श्री कृष्ण जी ने, और वो आज भी जीवित है ऐसा हम मानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि कानपुर के पास एक ऐसा मंदिर है महादेव जी का, जहां आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं? जी हाँ, उस मंदिर में रोज सुबह जो है जब भी वो द्वार पट खोला जाता है तो वहां पे पूजा के फूल और जो दिए हैं अगरबत्ती है वो जली होती है, और ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा वहां आज भी जाकर पूजा करता है। ये मंदिर है खेरेश्वर महादेव, जो कि कानपुर से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ महादेव के दर्शन पे, तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और चलते हैं साथ में महादेव के दर्शन। जय महादेव। तो हमेशा ये रोड है ना, जब भी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ इसी रोड से निकलता हूँ, यही रूट है मेरे ऑफिस का। तो डेली एवरी डे लेट ही होता हूँ, कभी कभी ना ऑफिस 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना आधे घंटे लग जाते हैं और ट्रैफिक में फंसे फंसे निकल नहीं पाता हूँ मैं। ये राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो ये पूरा गोल्डी मसाला जो है, गोल्डी मसाले उनका उनकी फैक्ट्री है ये। ये मंदना जो है ना एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इधर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं। वो वाली बिल्डिंग दिख रही है वो रामा हॉस्पिटल की है, वो हमारे कॉलेज के कैंपस के अंदर ही है। मंदना से जो है ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है, तो कानपुर स्टेशन से अगर मैं जुड़ूँ लगभग 35 किलोमीटर के आसपास जो है खेरेश्वर महादेव है। ऑटो भी इस रूट पे चलती है, अगर आप ब्रेक जर्नी करके आओ तो कानपुर से कल्याणपुर, कल्याणपुर से मंदना, और मंदना से फिर ऑटो लेके आप खेरेश्वर महादेव। रास्ते में एक गाँव आता है चौबेपुर, चौबेपुर का नाम हमने बहुत बार सुन रखा है, चौबेपुर चौबेपुर मूवीज में भी सुना है और यू नो तकिया कलाम में भी लोग बहुत बोलते हैं तब चौबेपुर चौबेपुर। जैसा कि मैंने बोला कि इधर बहुत सारे स्कूल और इंस्टीट्यूट, NLK एकेडमी आप देख सकते हो। अभी तो मैं जाता था, लोग देखते नहीं, उधर देख के लड़कियां साइकिल क्रॉस कर रही थी, वो बहुत झटका लग जाता तो भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती आज मुझे। शिट, 2 सेकंड के लिए ना ऐसे जान अलग में आ गई थी। ये जो है कृष्णा ग्रुप इंस्टीट्यूशन MBA इंजीनियरिंग और ये सब के लिए, रास्ते में ही है दोस्तों। और इस मंदिर में मुझे भी पूरा विश्वास है, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है इस मंदिर से। तो जब भी आप कानपुर आओ तो यहाँ दर्शन के लिए ज़रूर आओ। दो महादेव हैं यहाँ पे, खेरेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव। तो समय जब भी आपको मिले तो ये भगवान के दर्शन के लिए आप ज़रूर आओ, ज़्यादा दूर भी नहीं है। शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा। तो अभी जो है हम शिवराजपुर पहुंच चुके हैं और शिवराजपुर से ही जो है हमें टर्न लेना होता है, और आगे से कहीं से तो भी टर्न लेना पड़ेगा मुझे। तो शायद आगे से भी कोई रोड है, बट पिछली बार जब मैं गया था सावन में, सावन की पूजा में तो इस साइड से ही गया था कहीं से। भैया खेरेश्वर महादेव के लिए, खेरेश्वर महादेव ये वाला रोड, ओके यही वाली गली है, मैंने पूछ लिया था। और इस गली से अब मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। एक और रास्ता है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद ये भी हाईवे के अंदर ही, तो ये खेरेश्वर धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे की तरफ से भी एक रास्ता है शायद जो हाईवे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, शायद ये रोड है, ये वाली रोड जो है ना ये हाईवे की तरफ से आ जाती है डायरेक्ट। निकलते वक्त मैं कोशिश करूँगा इस साइड से ही जाऊँ, अगर ये हाईवे पे निकलेगी तो इधर से जाऊँगा, क्योंकि ये रास्ता भी देख लूँगा मैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही बाबा का मंदिर है और शांति की अनुभूति जो है वो होने लगी है। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ शंकर नाथ हुए। सावन के वक्त जब मैं आया था यहाँ पे तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। अंतिम सोमवार को मैं आया था, आज तो बिल्कुल खाली सा है, कुछ नहीं दिख रहा है। फिर भी देखते हैं बाबा के मंदिर के प्रांगण के पास जो है वो अभी भीड़ है कि नहीं। एक चीज़ और है कि मैं लेट हो चुका हूँ और अभी जो है 11:20 हो रहा है,
तो पता नहीं, भगवान करे अभी जो बाबा का पट है वो खुला है, जो द्वार है वो खुला हो और दर्शन हो जाए बाबा के। और ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, ये रहा भगवान का मंदिर, पहुंच रहे हैं हम लोग यहाँ। लोग तो हैं कुछ थोड़े बहुत दिख रहे हैं मंदिर के प्रांगण में। ये है श्री खेरेश्वर धाम। मंदिर के प्रांगण के बाहर ही आपको फूल और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। ये 320 रुपये, ये 300। और ये सब क्या है? सब ये भी प्यारा है, ये फेमस यहाँ का ये गुजिया होता है, ये लगा है, ये है फेमस, ये है गुजिया के अंदर खोया होता है चीनी का। 320 रुपये का ये यहाँ का फेमस है, भोग लगता है मेन प्रसाद यहाँ का, यही भगवान का यहाँ यही भोग लगता है और यही मेन प्रसाद है जैसा कि भैया बता रहे हैं। भैया मैं अंदर से आके पैसे दे दूँ? यहाँ से मैं फूल ले लेता हूँ। कितने का भैया? 20 रुपये। बस ये फूल जो है 20 रुपये का मैं लेकर आकर देते हैं भैया पैसा। और अंदर की तरफ चल रहे हैं बाबा का मंदिर का प्रांगण। यहाँ पे बाबा बैठे हैं लोटा लेके, और यहाँ से आप लोटा ले सकते हो। और लोटे में जल ले लिया मैंने, जल भी यहाँ से मिल गया। और गंगा जल जो है मैं उसमें डाल देता हूँ। और ये सामने बाबा का मंदिर, खेरेश्वर महादेव। पुजारी जी एक चीज बताइए हमको, बाबा कल्याण कि इस मंदिर के बारे में जो चीज सुने हैं हम, सुनते हैं हम बाहर गए हैं, तो क्या कहानी है इस मंदिर? यहाँ अश्वत्थामा बेटा आते हैं, शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। तो सच है बात? अरे सच नहीं तो कोई झूठ बता रहे हैं। तो सुबह जब पट खुलता है, द्वार खुलता है, तो वहाँ पे सुबह जब कपाट खुलते हैं तो पूजी हुई लाट मिलती है। अच्छा, तो पूजा का कुछ वहाँ पे फूल वगैरह रहता है, क्या रहता है? कुछ तो चढ़ाते हैं कभी, जब गंगा जल चढ़ा देते हैं। अच्छा, कुछ न कुछ चढ़ाएंगे जरूर। अच्छा, तो बाबा से हमने जो यहाँ महर्षि उनसे पूछा, और ये बिल्कुल सत्य बात है, वो जो पट खोलते हैं सुबह तो उन्हें ऐसी जो है पूजा की हुई दिखती है। अश्वत्थामा आज भी यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। तो अब जो है मैं अंदर जा रहा हूँ बाबा के गर्भगृह में, शिवालय में। मंदिर के प्रांगण के ऊपर की तरफ आया हूँ, मंदिर का जो प्रांगण है उसके छत पे मैं आया हूँ। और यहाँ से जो है बाबा का मंदिर बहुत ही मनभावन सा दिख रहा है, आप देख सकते हो।
भोलेनाथ जल्द से जल्द 5 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो मेरे। पता नहीं मैं ये वीडियो में डालूंगा या नहीं, बाबा खेरेश्वर की कृपा रही तो जल्द ही मुझे उम्मीद है कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब पे हो जाएंगे। हाँ क्या होगा, 5 रुपये कुछ होगा। तो फाइनली जो है हम खेरेश्वर महादेव के मंदिर से निकल रहे हैं।